तो भी अभी हम लोग आ गए हैं मड वोल्केनो पे, जहाँ से वोल्केनो इरप्ट होता है तो इसमें से मड निकलती है, लावा नहीं निकलता है, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ। मतलब बॉडी पे भी लगा सकते हैं आप, पूरा मड बाथ ले सकते हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होता है ऐसा कोई करने नहीं वाला, बॉटल्स वगैरह हम लोग फिल कर लेंगे। आजकल जैसे कि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें मड होती है, तो वो कुछ ही होती है, कुछ सी मड होती है, तो ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि ज़मीन के काफ़ी नीचे से निकलती है। और इसका मेन रीज़न है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल गैसेज हैं जिसकी प्रेशर की वजह से ये ऐसे इरप्ट होता है, लेकिन ऊपर में मिट्टी है तो वो मड बन जाती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, यू कैन सी द होल एरिया, तो भाई अभी अभी हम लोग रूम पे आए हैं और अभी 8 भी नहीं बजे, आई थिंक 8 बजने वाले हैं, तो सोचते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं, थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है, कल सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी सोचते हैं कि थोड़ा चेंज अभी मैंने कर लिया क्योंकि ठंड बहुत है बाहर, तो मैंने थोड़ा कुछ मोटे कपड़े पहन लिए हैं और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ अगर सोच रहे हैं कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ लोकल कुछ स्पेशलिटी होगी या कुछ खाने पीने का। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं अबू धाबी, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी वो अबू धाबी से ही थी, क्योंकि हमने पैकेज जहां से लिया था वो अबू धाबी से ही टिकट करवाते हैं। और ये है हमारा पुराना घर, हमें यहां से कुछ सामान लेना था,
तो हम वहाँ पे पुराने घर के सामने एक शॉप थी तो वहाँ पे आ गए, और वो बिल्कुल सामने में है हमारा घर जहाँ पे हम लास्ट ईयर रहते थे। और बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो हम लोग आ गए हैं छप्पन भोग, जो कि हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है क्योंकि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है और बहुत टेस्टी होता है इसका खाना। और चूंकि हमने 4 दिनों से रोटी नहीं खाई है तो भाई अभी हम मुझे रोटी खानी है, हमारी तंदूरी रोटी, दाल मखनी, फिर क्रिकेट मैच। और दूसरी चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस की वो ये चाय, इसको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया और फाइनली आज चाय मिल गई। और अभी आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा मुझे राहत मिली है चाय पी के। शिट मैन, जीत गया भाई, साउथ अफ्रीका इंडिया हार गया, बट ठीक है, ठोके अभी भी ये है कि सेमीफाइनल में तो खेलेगा ही, बट आज एक इससे ये हुआ कि पाकिस्तान बाहर हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि इंडिया एक मैच हार गया है, साउथ अफ्रीका तो एक भी नहीं हारा है अभी तक, और पाकिस्तान के साथ उसका मैच है, अगर वो हार भी जाता है इनकेस तो भी साउथ अफ्रीका और इंडिया जाएंगे सेमीफाइनल्स खेलने, और पाकिस्तान इज लाइक 99% बाहर हो गया। चलो चलो home sweet home, it's okay, it's okay, it's okay.